कृपा कीजिएगा महादेव, आपकी पूजा आरंभ ही करने वाला था कि मेरी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। इस बालक ने कब से आहार ग्रहण नहीं किया है? आपको अर्पित करने के लिए मैं जो भी लाया था, मैंने इन्हें समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इन्हें जो कुछ भी अर्पित किया वो मुझे ही अर्पित हुआ है नारायण। यही तो है मेरी सच्ची उपासना। संसार से दीनता, भूख और हिंसा को दूर करना, वेदभाव भी हिंसा ही है, किसी का अनादर भी हिंसा है, किसी की उपेक्षा भी हिंसा है। मेरी सच्ची उपासना है मेरे समाज में शांति और अहिंसा की स्थापना, निर्बलों की सेवा और उनका सत्कार। नारायण, आपने मेरे सभी भक्तों के लिए मेरी पूजा की सर्वोत्तम विधि प्रस्तुत कर दी है और यही विधि मुझे सबसे प्रिय है। दुग्ध अर्पित करना, यदि भक्त के मन को दुग्ध की भांति निर्मल ना बनाए तो ये व्यर्थ है, ये अर्पण व्यर्थ है। क्योंकि संसार में न जाने कितने ही शिशु केवल इस भूख से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में दुग्ध अर्पित करने का उचित स्थान मेरा विग्रह नहीं, अपितु वो शिशु है जो निराश्रित है और उपेक्षित है। जब तक इस संसार में कोई भी शिशु भूखा है, समझ लो कि मैं भूखा, और मेरी क्षुधा तभी शांत होगी जब उस निराश्रित शिशु को आहार मिलेगा। जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यथित हूं। जब तक संसार काशी,